How are you? I am Adesh Gangwar from Mission Academy. Now, today we are discuss about the topic sexual reproduction in flowering plants. So, beta, previous topic में हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था topic? Reproduction और types of reproduction and types of asexual reproduction. जितने भी asexual reproductions के types थे मैंने सारे आपको discuss किए थे, उनके examples बताए थे. अब हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि बाकी प्लांट्स जो फ्लावरिंग नहीं होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. लेकिन अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. अब फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर. क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी. ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर्स. क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर. इसका मतलब समझे आप बाईसेक्सुअल फ्लावर का, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, मेल प्लस फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं. एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है हिबिस्कस है, रोज है, मस्टर्ड है, लाइट है, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे. उसके इसके एक फ्लावर ले लिया है हमने हिबिस्कस का और उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं. जैसे ये है पेटल. पेटल आपने सबने देखा होगा, जो पत्ती होती है यानी कि जो कलरफुल पत्ती होती है फ्लावर की, इसको हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं. नीचे का जो ये पार्ट है जो इसको सपोर्ट करता है, जो ग्रीन कलर का होता है बेसिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं. ठीक है, और उसके ऊपर आपने उसके नीचे देखा और मोटी सी ये जिसमें डंडी टाइप की होती है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. जिस चीज़ को हम पढ़ने के लिए आप बैठे हैं, हमसे सुनने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं, वो हम बता रहे हैं आपको जो मेन पार्ट है इसका. ये तो सपोर्टिंग पार्ट है इसके. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, आप उसको देखिए बेटा. ये जो है ये आप पार्ट देख रहे हैं जो रेड कलर का पार्ट है, ये है आपका पिस्टन. क्या है ये? ये है आपका पिस्टन. पिस्टन भी कह सकते हैं इसको और कार्पेल भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम आप कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या कह सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, ये प्लांट का यानी कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसको इसको नाम दिया गया है पिस्टल और कार्पल. आप कार्पल भी कह सकते हैं और पिस्टल भी कह सकते हैं. अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन पार्ट में डिवाइड होता है. पहला पार्ट जो है ये ऊपर का पार्ट जो है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा, जिसमें इसकी क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स इस पे आते हैं. ठीक है, इसका ये ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? स्टिग्मा. देन इसको जो नीचे का है जिसमें पॉलन ट्यूब होती है, इसको हम कहते हैं स्टाइल. ठीक है, उसके बाद जो नीचे का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ये जो मोटा मोटा ये आप दिखाई दे रहा है आपको राउंड शेप में, इसको कहते हैं ओवरी. ओवरी ही मेन पार्ट है इसका, और इसी के अंदर इसकी एक्सेस प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लीजिए आप. जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये है, इसको हम कहते हैं स्टेम, और इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं एंथर, और जो इससे ये यहाँ से कनेक्ट है इसको हम कहते हैं ये फिलम. ठीक है, तो आप इसको समझ गए, ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस फ्लावर का, और ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसका नाम दिया है स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट.
बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब जब आप समझ गए होंगे जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए तो वो हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जिसके अंदर जो अलग अलग होंगे यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग वो क्या होंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो जिनके फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी किसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई और इस बात को आप अच्छे तरीके से इसका डायग्राम से ही ये क्वेश्चन बनता है। मोस्टली जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डायग्राम से ही पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका डायग्राम क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, ये जो ओवरी है, ओवरी ओवरी में ही एग सेल्स होते हैं, ये आपको बता दिया मैंने। और पिछले बार अभी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि फिलिंदा बैंक था कि ओवरी से क्या बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओवरी और ओव्यूल क्या है। ओवरी जो है वो उसका आउटर पार्ट है और ओव्यूल जो है वो उसका इनर पार्ट है। तो ओवरी से बनता है सीड फ्रूट, ओवरी से क्या बनता है फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से क्या बनते हैं जो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं वो किससे बनते हैं ओव्यूल से। ठीक है, तो इतना आप समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि ये पॉलिनेशन कैसे। भाई जाहिर सी बात है हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो इनके जब हमने पार्ट्स पढ़ लिए तो इसका हमें रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है कि कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल यानी कि ये दोनों जो है वो यहीं पर एक ही फ्लावर के अंदर है, तो ये इसके अंदर जो क्या होंगे एंथर होंगे वो कहाँ आगे गिरेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपको पता है जो ओवरी होती है वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती, रिसीव करती है किसको, पॉलन ग्रेन्स को, जो कहां से आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आते हैं, तो वो कहां पर रहते हैं स्टिग्मा पे आते रहते हैं। और फिर इसके अंदर क्या होती है, ट्यूब होती है, क्या होती है ट्यूब होती है, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलन ट्यूब, क्या कहते हैं पॉलन ट्यूब। और वो यहां से आके ऐसे आके यहाँ पर अपने एक्स इसको पॉलन ग्रेन्स को इसमें डाल देती है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट तैयार हो जाता है जिससे कि नया नया बीज तैयार होता है, और उससे वो किसमें चेंज हो जाता है फिर फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। और बाइसेक्सुअल में कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल में तो इस तरीके हो गया। इस यूनिसेक्सुअल पार्ट में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जो किसमें होता है बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि सेल्फ, एक ही सेल्फ का मतलब जानते हैं आप, एक ही चीज के अंदर होना, स्वयं के अंदर होना यानी कि खुद के अंदर, तो एक ही फ्लावर है तो उसके अंदर खुद ही हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, और जो किसके अंदर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये एकदम यहाँ से कैसे जाते हैं, तो ये जब हवा चलती है या पानी गिरता है या इंसेक्ट होता है तो ये भी इनको यहाँ तक पहुँचा देता है, इसमें तो फिर भी आसानी से ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ मैं बात कर रही हूँ क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि आप समझ लीजिए भाई, देखिए
तरीके से, यानी कि ये अलग होगा, ये अलग प्लांट के अंदर होगा और ये अलग प्लांट के अंदर, ठीक है। ये फीमेल है और ये मेल है। मैंने आपको बताया था ये स्टैमिन है और ये क्या है, पिस्टन, ठीक है। अब ये जब ऐसी बात है, मेल जो होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ये अपने जब तक एंथर इसके अंदर नहीं डालेगा तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। अब ये कहीं पर है, ये कहीं पर है, तो उसका किस तरीके से होगा क्रॉस पॉलिनेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, बाय इसके एजेंट्स होते हैं, बाय एजेंट्स। अब कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, एयर, वाटर और आपका एनिमल्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। कई सारे एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे हवा चली, ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़ के भी आ सकते हैं अगर पास पास है, और अगर दूर है तो कोई इंसेक्ट इसमें बैठा, यहाँ से चला और यहाँ पर इसने आके छोड़ दिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जरूरी है कि सेम फ्लावर्स के ही आए यहाँ पर, भाई ये भी तो हो सकता है दूसरे फ्लावर के भी इसने आके यहाँ छोड़ दिए, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है। तो उसमें बेटा यहाँ पर इनके केमिकल्स इसके अंदर ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही स्पेसीज का, यानी कि जो इसकी स्पेसीज होगी सेम स्पेसीज का ही इसके पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा, अदरवाइज रिसीव नहीं करेगा। और जब रिसीव कर लेगा किसको, सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेगा, फिर वो कहाँ आ जाएंगे, पॉलन ट्यूब के अंदर, जैसे मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पर क्या होते हैं, ये इसके एक्सेल्स होते हैं और ये होते हैं इसके पॉलीन्यूक्लियस, ठीक है। एक यहाँ पर होते हैं ये, ऐसे तीन, ये सेवन होते हैं, ठीक है। ये जो आपका ओवरी होती है इसके अंदर सेवन न्यूक्लियस होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और ये फुली एक्सेल्स होते हैं। और जब ये यहाँ पर आ जाते हैं तो ये एक साथ टू मेन ग्रेन्स लेके आते हैं, टू, ठीक है, और फिर यहाँ पर आके इसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करेंगे। आप नोट्स बनाइएगा अपने, और नोट्स में इसको आप देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का इसका डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, और इसके बाद डिफरेंस आप जरूर लिखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर करूंगी, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।